सब भोग कर रहे। आज मैं कल एक पेपर में पढ़ा, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि राम मंदिर बनने के बाद अब हम राम राज स्थापना करने का अभियान छेड़ेंगे। अरे मेरे नौजवानों, वो राम राज के नाम पे संविधान बदलने का अभियान छेड़ेंगे, मनुवादी व्यवस्था लगाने का अभियान छेड़ेंगे, इनको नौकरी नौकरी साथ कोरोना महामारी में तड़प तड़प के व्यक्ति मरा। जो है जो बड़े चैनल है इन्होंने आवाज को दबाने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया मेयर के चुनाव में, उन्होंने भी कहा कि एक लोकतंत्र की हत्या है, इससे बड़ा क्या प्रमाण। सारा ईवीएम हटा दो, आप राम के मानने वाले हो, राम के पद चिन्हों पर चलने वाले हो, आप सच्चे सनातनी हो, कृष्ण का भी आप जाकर समुद्र में जो है दर्शन करके आए हैं, तो आप उसको जो है उसको आप ईवीएम हटा दो, राम भक्त भी आप हो जाओगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ईवीएम नहीं हटाएंगे, इनकी जो गारंटी है ईवीएम है और सरकार भी बनेगी ईवीएम लगाता है तब कोर्ट जाकर के उसकी आवाज को सुनता है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग जो पिछड़े को, गरीबों को, अति पिछड़े को, दलितों का, ये लड़ाई आज से नहीं है, आज तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब ये सत्ता में आते फिर विकराल हो गई है। रविदास, संत शिरोमणि रविदास थे, उस समय भी ये लड़ाइयां थी, तो इसलिए उसी रूप में मैं आया हूँ, उनके रूप में मैं आया हूँ कि मैं जनता से आह्वान करता हूँ, अरे मेरे भारत के सपूतों, अपनी नस्ल को बचाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ, नहीं तो ये शिक्षा से गुलाम बना देंगे। इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, तो वो कहेंगे हम विश्व गुरु बनाएंगे। इनसे पूछो आज बलात्कार मणिपुर क्यों जल रहा है, तो ये कहेंगे हम मुसलमान, ये मुसलमानों को ये भयानक कानून लाएंगे। इनसे पूछो किसान की आय दुगना कब होगी, तो कहेंगे राम को लाए हैं हम, कृष्ण को लाएंगे। अरे नीरव मोदी को कब लाएंगे आप, अच्छे दिन कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, किसानों को आज दुगना कब करेंगे, घर में सुख शांति कब लाएंगे, राम राज का आप ढोक कर रहे। आज मैं कल एक पेपर में पढ़ा, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि राम मंदिर बनने के बाद अब हम राम राज स्थापना करने का अभियान छेड़ेंगे। अरे मेरे नौजवानों, वो राम राज के नाम पे संविधान बदलने का अभियान छेड़ेंगे, मनुवादी व्यवस्था लगाने का अभियान छेड़ेंगे, इनको नौकरी नौकरी साथ कोरोना महामारी में तड़प तड़प के व्यक्ति मरा। मानव जात के लिए इन्होंने कहा गंगा को हम साफ करेंगे, और उसी गंगा में मानव का शव सड़ा, मानवता शर्मसार हुआ, विश्व में ये कफन नहीं दे पाए। ये सत्ता की भूखी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पैरासीटामॉल नहीं दे पाई, उसी गंगा को सफाई करने का अभियान लेकर के आई कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, और माँ गंगा ने बता दिया कि आए ठगने वालों, आए राम के नाम पे ठगने वाले, मेरे नाम पे ठगने वालों, मैं विश्व के पापियों को धोता हूँ, तू मुझे क्या साफ करेगा। उसी में दिखा दिया कि मानव का सौ सड़ा, अभी भी मानव अगर नहीं जागेगा तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये सरकार राम के भक्त पे चलने वाली सरकार, ये सरकार सनातन की बात करती, यह सनातन सच की बात करती है। जब देश के पार्लियामेंट में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, वारे राम वाले, वारे कृष्ण वाले, वारे सनातनी, वारे विश्व गुरु बनाने वाले ने कहा कि यह एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। इसलिए मैं इस रूप में आया हूं कि आए मेरे देश के नौजवानों, किसानों, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सभी सबसे, क्योंकि राम कहे, कृष्ण कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहे, तुलसी कहे, बौद्ध कहे, कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता, और ये समानता और समाजवाद से आता है। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन सवाल ये बनता कि आप एक संत हैं, आप एक स्वामी हैं, फिर भी आपको ईवीएम से क्या लेना देना है, आपको सरकार से क्या लेना देना। इसीलिए तो संत है, मानव धर्म, मानव कल्याण के लिए, ताना साह को तोड़ने के लिए, तो हमारे कबीर साहब ने भी तो कहा था, रविदास साहब ने भी तो कहा था, मानव जाति के उद्धार के लिए तो हम साधना करते हैं, जगत के अन्याय के लिए, जगत का कल्याण हो इसके लिए तो हम साधना करते हैं। इसीलिए तो मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं कि ये जो धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे ये देश चलेगा, संविधान के नाम पे,
संविधान से देश चलेगा। मंदिरों में हमारी आस्था हो सकती है, हम मंदिर में पूजा करेंगे, हम मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन वह पूजा नहीं करेंगे जो टेंट से राम को लाके बैठा दिया गया है। टेंट वाले राम को नहीं, कबीर साहब ने कहा था, आपने अच्छा सवाल किया, कबीर साहब ने कहा था राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़वासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो हम जगत के न्यारा को सबनों लोगों ने कहा दुनिया का मालिक एक है, क्योंकि यह रक्त भी एक है, इसको काट दो तो लाल निकलेगा। दुष्ट विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि यह हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है कि आर्यसत का रक्त है किसी संत का रक्त है। इसलिए प्रकृति ने यहां दिया है, इसका मैं आप संदेश दे रहा हूं कि मानव जात के लोग जागो जागो, असत्य और असत की परख करो, ये क्योंकि सत्ता की भूखी लोग है। जैसे रावण भगवा के रूप में आया, माता सीता का हरण कर लिया, इसी से भारतीय जनता पार्टी भगवा के रूप में, राम के रूप में, नाम इसके रूप में आपको ठग करके आपको गुलाम बनाना चाहती है। आप लोग जागो, ईवीएम का विरोध करो और इनके खिलाफ वोट करो, इनके खिलाफ वोट करो, भय मत करो, क्योंकि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। आप खुद 400 का आंकड़ा है और आप बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया है, सारी चीजें हो रही है, फिर भी ईवीएम के खिलाफ उतर गए लोग, उतर गए, उनकी आवाज दबा दी रही है, दबा दी जा रही है। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये आप तो ये चैनल वाले हैं कि दिखा दे रहे हैं, इतना बड़ा भी यहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी बड़ी मीडिया कहाँ है। देश के पूर्व जस्टिस ने पढ़ा मैंने पेपर में, अचानक ने चला कि लोकतंत्र, ये गोदी मीडिया जो है, जो बड़े चैनल हैं, इन्होंने आवाज को दबाने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया मेहर के चुनाव में, उन्होंने भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। संत ने छोड़े, संत ही कोटिक मिले, असंत चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहे भुजंग। तो हम सत्य की बात करेंगे, राम कौन है, उस राम के जपने से ये शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, और इस शरीर में हनुमान जी रहते, दुर्गा रहती है, ईसाई रहते, पीर रहते, कबीर रहते, तुलसी रहते, पैगंबर रहते, सब रहते, इसमें राम यही श्वासा है। जब हमारा श्वासा निकल जाती है तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ, इसके लिए अभियान भी छेड़ूंगा जहां भी मेरी सामर्थ्य हो, क्योंकि इस रूप में इतना नफरत हो गया, मैं ही आया तो लोग देखे कि ये लग रहा भाजपा का कोई एजेंट है। भाजपा नारा लगा रही है कि 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसलिए वो 400 सीटें नहीं बोली है, 400 पार बोली है, सीट का नाम नहीं लिया। अगर ये हो गई तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, कड़ुआ तेल 400 पार होगा, रिफाइन 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 4000 पार होगा। इसको समझो, जो भाजपा कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। और ईवीएम हटा दो, मेरा दावा है कि 40 पार नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर राम वाले हैं, सत्य राम वाले हैं। राम एक व्यक्ति के कहने से सीता माता का वनवास कर दिया था, इतनी जनता, इतना जनमानस आपको, क्योंकि अगर 1 करोड़ में मान लिया जाए 40 लाख आपको वोट दिए, आप उसी पे सरकार बनाते हो, तब भी तो 60 लाख आपके विपक्ष है। अगर विपक्ष का राय ईवीएम हटा दो, आप राम के मानने वाले हो, राम के पद चिन्हों पे चलने वाले हो, आप सच्चे सनातनी हो, कृष्ण का भी आप जाकर समुद्र में जो है दर्शन करके आए हैं, तो आप उसको जो है उसको आप ईवीएम हटा दो, राम भक्त भी आप हो जाओगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ईवीएम नहीं हटाएंगे, इनकी जो गारंटी है ईवीएम है, और सरकार भी बनेगी तो ईवीएम द्वारा बनेगी। मोदी जी का 400 पार के नारे को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, ये पेश नहीं, उन्होंने कहा 15 लाख आएगा, आया क्या, अच्छे दिन आएंगे आया क्या, 56 इंची का सीना आया क्या, मानसरोवर आया क्या, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने वाले संत जो महंत बन के चल रहा है, मानसरोवर तो पहले लाओ चीन से नहीं बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, कहीं अजहरी को गिरफ्तार कर लोगे, कहीं हल्द्वानी में घटना कर दोगे, कहीं उत्तर प्रदेश में जब हारोगे, पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, वह बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, वही राम राज है, वही अयोध्या राम विराजमान है, और एक आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो, ये क्या है। इससे जागना होगा, लड़ना होगा, और मेरे देश के नौजवानों जागो, ईवीएम हटाओ, देशम विधान लोकतंत्र बचाओ और मानवता बचाओ, और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो, विकल्प यही है। आप क्या करने वाले हैं इस ईवीएम की लड़ाई के लिए?
जो भी होगा हमें जो भी निर्णय होगा यही तो कर रहा हूँ, जो मेरा सामर्थ्य कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। लोग जाएंगे, चैनल चलाओ और बढ़ाओ आगे, सबको सुनवाओ जो भी